यहाँ पे होली मन चुकी है तो चलिए फटाफट चलते हैं। और मैं जैसे तुम्हें बता रहा था काफी ज्यादा तपत है, देखो मेरे पीछे। Hey guys, welcome back to another new vlog। आज है गाइस छोटी होली, तो आप सभी को हैप्पी होली। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजने वाले हैं, बज नहीं है तो हम निकल दिए अपने ऑफिस के लिए। तो आज भी ऑफिस है, पिछले 4-5 दिन से मेरी नाइट चल रही थी तो नाइट तो अभी खत्म हो चुकी है, तो अभी डे चल रही है। बस आज ऑफिस है 7 तारीख को। कल का होली है, धुलंडी, मतलब जो धुलंडी बोलते हैं खेलने वाली, तो वो है। एक बार है ना, मैं शीशे ऊपर चढ़ा लेता हूँ गाइस। अभी शायद आवाज़ तुम्हें क्लियर आ रही होगी क्योंकि बाहर विंड नॉइज़ ज़्यादा थी, तो मैंने शीशे खोल रखे थे तो अंदर विंड नॉइज़ आ रही थी। जो होली से एक दिन पहले हमारे यहाँ पे, मतलब कि जो होली मंगलती है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो खेत होते हैं ना, खेत में से बाल लेके आते हैं, बाल जैसे गेहूँ की तरह होते हो, हम उनको बाल बोलते हैं, तो बाल लेके आते हैं। जहाँ होली मंगलती है ना गाइस, तुम्हें पता होगा, उनको वहाँ पे लेके जाते हैं रात को, और दिन में जाती है मम्मी वगैरह वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। और आज मैं दिन में हूँ नहीं घर पे, तो पापा करेंगे सारे, पंकज के सहर करेंगे काम। चल रहे हैं हम ऑफिस में, देखते हैं कैसी आज होली होने वाली अपनी, क्या पता होली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो अपने सारे इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी तो अभी छुट्टी पे हैं, मतलब कि आज डे में तो मैं और एक और इंजीनियर है। हम गए थे खाटू श्याम, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो खाटू श्याम गए चले। तो भाई मेरा है ना सडनली प्लान बना था कि खाटू श्याम जाना है, तो एकदम से तैयार हो गए शाम को, रात को 8 बजे गए थे 4 तारीख को। तो वहाँ पे हम पहुँचे थे गाइस सुबह के 3 बजे पहुँचे थे, और बीच में खाना वगैरह खा लिया था तो इसलिए लेट हो गए थे। और गाइस वहाँ पे मुझे पता चला कि रिंगस से है ना खाटू श्याम तक पैदल जाना है। पिछली बार मैं गया था जब तो मैं बाइक से चला गया था, अब की बार क्या है, हमने रिंगस से निशान उठाया था खाटू श्याम बाबा का। तो गाइस 17-18 किलोमीटर पैदल चले थे, तो 12-13 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, 12 किलोमीटर तक तो आराम से चले थे। उसके बाद थोड़ी सी पैरों में प्रॉब्लम आई, पैर गर्म होने स्टार्ट हो गए थे गाइस। जो खाटू श्याम बाबा का मेन गेट है वहां पे पहुंच गए थे हम, 6 बजे कुछ पहुंच गए थे, कुछ 180 या 85 मिनट के अंदर हम पहुंच गए थे पैदल। तो हम गाइस नॉन स्टॉप चले थे रिंगस से खाटू श्याम, हम बैठे नहीं थे बीच में, तो इसलिए जल्दी पहुंच गए थोड़ा, और उसी वजह से काफी ज्यादा थकान हो गई। जो मेरा लेफ्ट वाला पैर है उसमें तो काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो एक दिन की तो छुट्टी भी लेनी पड़ी ऑफिस से। खाटू श्याम बाबा का मैंने व्लॉग डाल दिया, होप करता हूँ तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। गाइस जो ये बंदे दिख रहे ना तुम्हें, मैं जस्ट ऑफिस से अभी छुट्टी हुई है, अभी होली खेल के आ रहे हैं, और ये बाइक है ना कुछ गलत ही तरीके से चला रहे गाइस, ये बहुत ज्यादा फास्ट कर ली गाइस अभी इन्होंने ना बाइक, ये देखो कहाँ चला रहा बाइक, ये देखो गाइस, देख रहे हो कैसे कट मारा है इसने। तो आप सभी से ये एक सलाह है कि दारू पी के गाड़ी ना चलाए। तो चलिए फटाफट से पेट्रोल डलवाते हैं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो गाड़ी भी काफी ज्यादा गंदी हो रही है। नाइट में क्या होता है, हम जौ वगैरह भून के लाते हैं होली पे से, तो चलिए वही दिखाऊंगा आपको मैं, वैसे तो मैंने पिछली बार भी दिखाया था। गाइस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे होली दहन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, 8:30 बजे का करीब शायद मुहूर्त है, तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, शायद पंडित जी भी आ गया। ये देखो थोड़ा है ना लाइट की वजह से ब्लर वो आ रही है, इसमें फुटेज फट रही है, पूरी भीड़ बढ़ने वाली है। और ये केसो इस, ये देखो कितना बड़ा ये लेके आया डंडा, ऐसे कामों में ना जल्दी नहीं करनी चाहिए थोड़ा, मतलब कि जिसका ये छोटे डंडे है ना, छोटे डंडे वाले बाद में परेशानी इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तपत हो जाती है, तो इस वजह से जल्दी करते हैं लोग बाग, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो बड़े डंडे वाले हैं उनके तो बाद में भी अगर वो लगा सकते हैं, देखो कितने बड़े बड़े डंडे आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो सबसे बड़ा डंडा है ना इन भाई का, ये पूरे एक बांस लिया है। तो भी पापा गए, ये देखो तो गाइस अभी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और ये ना ये लठ वगैरह लग भी सकते हैं जो बड़े डंडे होते हैं। Yeah!
खाटू श्याम के मंदिर में से आ गए। देखो सही टाइम पर एकदम प्रसाद मिल गया है, चप्पल तो मिल गया गाइस। और ये देखो सारे मोहन राम बाबा के जा रहे हैं। धुलंडी धुलंडी बोले तो रंगों से खेलने वाली होली। तो जस्ट मैं अभी उठाऊ क्या हूँ, 11:30 बजे उठा था मैं, तो क्या हुआ होली निकल गई अपनी गोली की तरह, पता ही नहीं पड़ा। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। तो आधा दिन निकल चुका है अपना, तो सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे मैं उठते ही एक ब्लॉग एडिट कर रहा था, एक ब्लॉग अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसको एडिट करता हूँ। तो चलिए फटाफट से अपना डे स्टार्ट करते हैं। और आज है धुलंडी, और अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो तुम्हें बाजे की आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे पीछे यहाँ पे क्या गए, जो होली के ऊपर मांगते हैं ना, जो बाजे लेके आते हैं, जो ढोल वगैरह लेके आते हैं तुम्हारे घर 10-5 रुपये के लिए, तो क्या है अभी वहाँ पे होली खेल रहे हैं लोग बाग, तो उन्होंने वो बंदे को ही रोक लिया। तो वहाँ पे फ्री का मतलब कि ढोल वगैरह भजवा रहे हैं और नाच रहे। हैप्पी होली गाइज, हैप्पी होली। तो गाइज ये देखो क्या हाल हो गया है, और थोड़ी देर में बस घर से निकला था और देखो पूरा रंग हो गया। ये रंग क्या है, जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, वो सर मेरे साथ जिम वगैरह में आते थे, तो उनकी यही ड्यूटी लग रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पकड़ लिया और बालों में भी रंग वगैरह लगा दिया पूरा। पूरी हैप्पी होली हो चुकी है हमारी।